हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वराज ऑल इन वन चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं बढ़िया टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो कि आप शाम के वक्त या फिर सुबह नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें हम अपनी मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजर, कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन और हरा धनिया और टमाटर लिया है। और यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 अंडे, जिसे मैं अभी अच्छे से फेंट लूँगी। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे एक एक करके। और जब तक मैं सब्जियां ऐड कर रही हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी इनको भी अच्छे से मिला लेंगे हम। अभी ठंड के दिन है तो सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छी आती है, फ्रेश सब्जियाँ होती है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ बना के बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार हो रहा है फेंट के। तो इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और अभी डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं बच्चों को खिलाने वाली हूँ। तो इन सबको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं पैन भी गरम कर लिया है मैंने, तो ये अच्छे से हम गरम कर लेंगे। आप चाहे तो तवे पे बना सकते हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे हर तरफ से। और अभी मैं डाल दूँगी इसमें पूरा अंडे का, एक साथ ही मैं बना रही हूँ तो पूरा मिश्रण मैं इसमें डाल दूँगी। पूरे इसका मैं सिर्फ एक ही ऑमलेट बना रही हूँ। और इसमें हम लगाएंगे ब्रेड, लेकिन सबसे पहले मैं बैटर को हर तरफ से अच्छे से फैला लूँगी। और इस पे अभी लगा लेंगे ब्रेड। तो यहाँ पे एक स्लाइड करके मैं इस तरह से अलट पलट कर लूँगी, ताकि जो बैटर है तो दोनों साइड से अच्छे से लग जाए, उसका टेस्ट इसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैं 3 ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ और तीनों को उसी तरह से मैं लगा दूँगी। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से पकने देंगे। आप चाहे तो ढक के भी पका सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पका रही हूँ। और अच्छे से ब्रेड को हम प्रेस कर देंगे। और साइड से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, आप चाहे तो बटर या घी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे तेल का यूज़ कर रही हूँ। और इसे अच्छे से हम पकने देंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। ये नाश्ता सभी के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, तो आप बच्चों को और सबको खिलाइए, काफ़ी बढ़िया होता है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो अभी मैं इसे पलट लूँगी इस तरह से मैंने प्लेट पे, और अभी दूसरे साइड में मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ से थोड़ा सा फट चुका है, तो दूसरे साइड से भी स्लो फ्लेम पे मैं अच्छे से पकने दूंगी, नहीं तो ब्रेड जो है नीचे से जल सकती है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी मैं इसके कट्स कर लूँगी पिज़्ज़ा की तरह 4 कोने, क्योंकि मेरे बच्चों को इस तरह से कट करके दो तो काफ़ी पसंद आता है और खाने में भी बढ़िया होता है ये। तो आप भी ज़रूर बनाइए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।